प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत, हमारे Facebook पेज डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको बताने वाला हूं देव गुरु बृहस्पति, धन गुरु बृहस्पति मार्गी होते ही पांच ग्रहों के चक्रव्यूह में कैसे फंस गए और वो कौन सी तीन राशियां हैं जो इस चक्रव्यूह में फंस गई हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं संकट के बादल आ गए, जानना जरूरी है। ज्योतिष में हर चीज अच्छी अच्छी नहीं होती है। जब मैं अच्छी अच्छी बातें करता हूं, करोड़पति बनोगे, अरबपति बनोगे, तो भी लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं, कमेंट करते हैं, बोले रावत जी तो सबको करोड़पति बनाते हैं। यह सच है, आप मजाक तो कर सकते हैं, अधिकार है आपका, लेकिन यह सच है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर उन राशियों में लाखों लोग करोड़पति बनते हैं, जिनके शेयर ऊपर जाते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी अरबों में ऊपर जाती है, एक दिन में करोड़ों डॉलर ऊपर नीचे होती है, चाइना के अंदर, अमेरिका के अंदर, लंदन के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, गल्फ के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, ऐसे ऊपर जाते हैं, फ्लक्चुएट कर जाता है मामला सारा। इसका मतलब ये रहा कि राशियां खाली हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए तो है नहीं, राशियां तो ग्लोबल हैं, पूरे पृथ्वी लोक पर प्रभाव डलता है। तो जरूरी तो नहीं कि हिंदुस्तान में मान लो 15 आदमी अरबपति करोड़पति बने तो बाकी कंट्रियों में भी तो हो ही सकते हैं। इसलिए ज्योतिषी का दिमाग बहुत ब्रॉड होना चाहिए, उसका भी उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना कि यह अंतरिक्ष है। इसलिए ज्योतिषी को देवज्ञ और ब्रह्मज्ञानी बोला जाता है। मैं इसलिए लिखता हूं इन सब चीजों, और अगर मैं कहता हूं नुकसान होगा तो फिर बोलते हैं डराते हैं। मैं डराता भी नहीं हूं, मैं सावधान करता हूं। ऐसे बिजनेस का क्या फायदा जहां लाखों महीने का आपका खर्चा ऊपर पड़ रहा है और दो साल तक लाखों रुपए महीने बिजली का बिल, मीटर पानी का बिल, हाउस टैक्स, इनकम टैक्स फलाना सब देना पड़े, लेबर की सैलरी देनी पड़े और आप कर्ज में डूब जाएं तो क्या फायदा उसका, उससे बेटर है कि उसको वाइंड अप कर दो। ये नियम है, ये ज्योतिष के नियम है। और मैं चाहता हूं ज्योतिष जितना पवित्र विज्ञान है, जितनी पवित्र विद्या है, वो पवित्र रहनी ही चाहिए। इसके प्रति लालच नहीं करना चाहिए। कम मिलता है कम में संतोष करिए, लोगों को चीट मत करिए, क्योंकि इस विद्या में लोगों का विश्वास है, सभी धर्मों का विश्वास है। विद्या बचेगी तो हम बचेंगे, विद्या नहीं बचेगी तो हम कहां से बचेंगे। मैं शुरुआत करता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, मैं 17, 18, 19 और 20 दिसंबर बंबई में रहूंगा। बंबई का नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उस पर आप अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। वैसे 16 से 20 था, लेकिन 17 तारीख से प्रॉपर मैं वहां पे रहूंगा। कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, मनवा सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं। और 10 दिसंबर को, 10 और 11 को मैं अहमदाबाद में रहूंगा, तो 10 को मैं स्पेशल लोगों से मिलूंगा, तो 10 तारीख को इवनिंग में आप मुझे मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। हमारे YouTube को सब्सक्राइब करिए और साथ में Facebook पेज को भी आप फॉलो करिए। अब मैं उस मुद्दे पे आता हूं कि देव गुरु बृहस्पति आखिर चक्रव्यूह में कैसे फंस गया, वो बताता हूं। पहले इसकी बैकग्राउंड को जानना होगा
जो ज्योतिष सीखते हैं उनको बता देता हूं। गोचर में जब बृहस्पति चलता है तो 12 भावों में से 5 भावों में वो प्रसन्न होता है, अच्छा फल देता है। दूसरे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में, नौवें भाव में और 11वें भाव में, 2, 5, 7, 9, 11 इन 5 भावों में अच्छा फल देता है। लेकिन इन्हीं 5 भावों में जहां बृहस्पति होगा जिन राशियों से, तो वहां पर कुछ ग्रह इनका वेध करते हैं। वेध का मतलब उसको क्रॉस कर देते हैं, उसकी शुभता को खत्म कर देते हैं, बध कर देते हैं, एक तरह से उसको मार देते हैं, चक्रव्यूह में फंसा देते हैं, वो रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाता। वही मैं अब आपको बताऊंगा कौन कौन सी राशियों में ये प्रभाव आएगा। 3 राशि हैं, सभी राशि तो है नहीं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, बृहस्पति अगर सेकंड हाउस में हो, जैसा कि मैंने बताया कि बृहस्पति सेकंड हाउस में होता है, अच्छा फल देता है गोचर में। बृहस्पति दूसरे भाव का कारक भी है, धन का कारक। लेकिन दूसरे भाव में बृहस्पति हो और 12वें भाव में अगर कोई ग्रह हो तो फिर बृहस्पति का वध करेगा, यानी वेध कर देगा उसका, उसकी शुभता को खत्म कर देगा। तो यहां पर बृहस्पति धन का नुकसान कर देगा। और यह है कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपका बृहस्पति सेकंड हाउस में है और शनि की तीसरी दृष्टि में, शनि 12वें भाव में है, तो यह स्थिति आपकी 17 जनवरी तक रहेगी। तो 17 जनवरी तक आपके लिए देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में तो नहीं रहेंगे, लेकिन तब तक कोई ग्रह और घूम करके आ गया वहां पर 12वें भाव में, तो आपको कहीं ना कहीं इसके लिए तकलीफ हो जाएगी, कहीं ना कहीं परेशानी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बृहस्पति पंचम भाव में अगर हो, तो बृहस्पति पंचम भाव में हो और चौथे भाव में कोई ग्रह हो, तो चौथे भाव में कोई ग्रह है नहीं, तो इसका मतलब कुंभ राशि पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट है और दूसरी कोई राशि पर भी। अब बात करेंगे हम तुला राशि, तुला राशि में यानी कन्या राशि से, यानी सप्तम भाव के अंदर अगर बृहस्पति बैठा हो सप्तम भाव में, तो हम ये कह सकते हैं कि तीसरे भाव पर जो ग्रह बैठेंगे वो बृहस्पति का वध कर देंगे, क्योंकि तीसरे भाव में सूर्य शुक्र बुध बैठे हुए हैं, 3 ग्रह। यानी अगर हम देखें वृष राशि वालों के लिए, तो शनि ने बृहस्पति को मार दिया। कन्या राशि की बात करें तो यहां पर बृहस्पति को सूर्य शुक्र बुध ने वध कर दिया, 4 ग्रहों ने वध कर दिया। तो यहां कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति स्थान हानि करोति जीव, यानी पाप प्रभाव में देवगुरु बृहस्पति शनि की तीसरी दृष्टि में है, वैवाहिक जीवन के लिए उत्तम योग नहीं बनेगा, यहां पर कहीं ना कहीं कोई तकलीफ बनेगी। बृहस्पति अगर 9वें भाव में हो और 10वें भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो बृहस्पति की शुभता को खत्म कर देता है, और वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए राहु 10वें में बैठा हुआ है और देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में है, तो कर्क राशि वालों के लिए भी बृहस्पति यहां पर शुभ नहीं रहेगा, यहां पर चक्रव्यूह में फंसेगा। तो कर्क राशि, कन्या राशि और साथ में कुंभ राशि, ये 3 राशियों पर इसके बहुत अच्छे इफेक्ट नहीं है। अब अंत में एक राशि और ले ही लेता हूं, बृहस्पति 11वें भाव में अच्छा फल करता है, अच्छा फल करेगा, लेकिन 3 दिसंबर को अष्टम भाव में बुध आ जाएगा और 5 दिसंबर को शुक्र आ जाएगा। तो यहां पर बुध 3 दिसंबर से बृहस्पति की शुभता को खत्म कर देगा वृष राशि वालों के लिए। तो ये 4 राशि ऐसी हैं जिनके ऊपर देव गुरु बृहस्पति का चक्र भी फंस रहा है, और साथ में यहां पर इन 4 राशियों पर संकट के बादल हैं, इन पर अच्छा फल
ना आने के योग बनते हैं, इसका यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अब मैं आपसे आत लेता हूँ। नमस्कार, मुझे संपर्क करने के लिए यहाँ पर नंबर हैं, आप इन पर बात कर सकते हैं, इन पर अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। बम्बई में मैं 17 से 20 रहूँगा, अपॉइंटमेंट लेके आप मुझे मिल सकते हैं। और साथ में हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। 10 और 11 दिसंबर को मैं अहमदाबाद में रहूँगा, वहाँ पर भी आप मुझे मिल सकते हैं। अब मैं आपको अपना पता देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है, महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 011-2563-8157, 2563-8168, मोबाइल नंबर 9811-44156, 9212-86090, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com।